जी, लास्ट लेक्चर में जो है वो हम लोगों ने एक ओवरलैपिंग कम्युनिटी टेक्सचर एल्गोरिथम देखा था, क्लिक परकुलेशन, जो हमारे पास जो है वो फॉर लाइक पर्टिकुलरली स्मॉल वैल्यूज ऑफ के, वो हमारे पास पॉलिनोमियल टाइम में हमें कम्युनिटीज डिटेक्ट करके दे देता है। उसका मेन प्रिंसिपल ये था कि हमारे पास जो है वो एक नोड क्योंकि मल्टीपल क्लिक्स से बिलोंग कर सकती है, पर इसके अंदर हमारे पास जो एक कम्युनिटी को हम लोग एक्सपैंड कर रहे होते हैं उसके अंदर एग्जैक्टली शुरू तो एक क्लिक से करते हैं ऑफ साइज के, लेकिन जो कम्युनिटीज ऐड कर रहे होते हैं वो उसके अगर जो नोड्स उसके अंदर कम्युनिटी में ऐड कर रहे होते हैं उस नोड के अगर K-1 एजेस हैं एग्जिस्टिंग किसी भी कम्युनिटी के साथ, तो उससे हम लोग उस कम्युनिटी का हिस्सा बना देते हैं। तो इस तरीके से एक एक नोड जो मल्टीपल कम्युनिटीज से जो है बिलोंग कर सकती है। तो हम लोग जो है वो एक और आज कम्युनिटी डिटेक्शन का एल्गोरिथम जो है वो हम लोग देखेंगे। इसके अंदर से कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी आती होंगी, जिस तरह डेंड्रोग्राम है वो बनाना, फिर कम्युनिटीज कैसे निकालेंगे। लेकिन इन जनरल हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो एल्गोरिथम है ये हमारे पास कैसे काम करता है। ये एल्गोरिथम जो है वो नाउ इट्स लाइक अराउंड मोर देन 10 ईयर्स ओल्ड, लेकिन ये हमारे पास पब्लिश हुआ वो नेचर के अंदर पब्लिश हुआ है। ठीक है, नेचर जो है वो आप कह लें कि दुनिया के सबसे एलीट जर्नल्स के अंदर है। आपका नेचर के अंदर अगर एक जर्नल पब्लिश हुआ हुआ है, एक पेपर पब्लिश हुआ हुआ है इस जर्नल के अंदर, तो इट्स लाइक वर्थ मे बी मोर देन 100 पेपर्स इन सम ऑर्डिनरी जर्नल ना, तो मतलब वर्थ इट है ये। तो आप देखेंगे कि ये नेचर में रिसर्च पब्लिश हुई है, लेकिन ये रिसर्च जो है वो मतलब बहुत सिंपल सा इसका मेथड है। कोई इसके अंदर जो है वो मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल से इन्होंने अप्रोच यूज़ की भी है। और जैसे मैं पहले भी आप लोगों को ये कह चुका हूँ कि रिसर्च के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो कोई बहुत मुश्किल चीज़ सोचें, कोई टेढ़ी खीर बनाएं। आप जो है वो आपने एलिगेंटली अपने आइडिया को जो है वो रिजॉल्व करना है कि आप कैसे जो है वो अपने आइडिया को जो है सॉल्व कर सकते हैं, एंड इट हैज़ नॉट टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट वेरी कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन। ओके, कमिंग टू दिस एल्गोरिथम ऑफ लिंक क्लस्टरिंग, इसके अंदर जिस तरह हर ओवरलैपिंग कम्युनिटी डिटेक्शन के ओवरलैपिंग कम्युनिटीज़ में होता है कि हमारे पास एक नोड जो है वो हमारे पास मल्टीपल कम्युनिटीज से जो है वो बिलोंग कर सकती है। ठीक है, और हमारे पास जो होते हैं नोड्स तो मल्टीपल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन एज जो होता है वो हमारे पास एक बड़ा स्पेसिफिक होता है हमारे पास दो नोड्स में, और यूजली हमारे पास एक एज जो है वो हमारे पास एक कम्युनिटी का हिस्सा होगा। इस तरह हम लोग नहीं कहेंगे कि एक एज जो है वो हमारे पास मल्टीपल कम्युनिटी से बिलोंग कर सकते, क्योंकि वो बड़ी एक स्पेसिफिक सी जो है वो हमारे पास एक चीज़ है। जैसा नोड है ना, अब नोड अगर हम लोग अपनी एग्जाम्पल लें तो हमारे पास कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ कुलीग्स हैं, कुछ हमारे पास जो है वो हॉबी मेट्स हैं, कुछ हमारे पास कोलैबोरेटर्स हैं, क्लास फेलोज हैं। तो हमारे पास हम लोग मुख्तलिफ एसोसिएशंस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यूजुअली जब देखा जाता है तो हमारे पास अगर एक पर्टिकुलर पर्सन से बात करें तो उससे यूजुअली हमारे पास जो है वो एक ही लिंक होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है, तो वो हमारे पास एक फ्रेंड ही रिलेशन होगी दो लोगों के बीच में। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर एच जो है वो हमारे पास एक स्पेसिफिक रिलेशन को जो रिप्रेजेंट कर सकता है। ऑफकोर्स हमारे पास इस तरह भी हो सकता है कि एक बंदा जो है वो फ्रेंड भी हो और एक बंदा जो है वो हमारे पास फैमिली मेम्बर भी हो, लेकिन उस केस में हम लोग जो है वो या तो मल्टीपल एचेस जो है वो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो जो हाईएस्ट जो डिग्री है, हाईएस्ट जो स्ट्रेंथ है वो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं अगर मल्टीपल हमारे पास स्ट्रेंथ्स एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, जो सोशल नेटवर्क्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास जो है एजेस की बेस पे अगर हम लोग कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करें, अभी तक हम लोगों ने रावास में क्या किया था कि नोड्स की सिमिलैरिटी निकाली थी और उसकी बेस पे हम लोगों ने नोड्स को हम लोग मर्ज करते रहे थे। ग्रीडी मॉड्यूलैरिटी में भी इसी तरीके से किया था, लेकिन अगर हम लोग जो है वो लिंक्स को जो है वो हमारे पास उनकी सिमिलैरिटी निकाल लें और लिंक्स को जो है वो हम लोग मर्ज करते जाएँ, ठीक है, जिस तरह रावास में किया था, जिस तरह हम लोगों ने ग्रीडी मॉड्यूलैरिटी में किया था, तो हम लोग अगर लिंक्स की बेस की क्लस्टरिंग करें तो अब हमारे पास क्योंकि एक लिंक तो चले एक ही कम्युनिटी में जाएगा, लेकिन एक नोड जो है वो मल्टीपल लिंक्स के साथ इन्वॉल्व हो सकती है। तो नेट से एक नोड है उसके हमारे पास दो लिंक्स हैं, ठीक है,
या वही जो अगर हम लोग एग्जांपल ले लें जो हम लोग होमवर्क में भी आप लोगों ने की थी, तो अब लेट्स से हमारे पास ये सी नोड है, ठीक है। अब इसके अगर हम लोग देखें तो ये फोर लिंक्स के साथ इन्वॉल्व है। अब इसके ये जो दो लिंक्स हैं ये नेचुरली हमारे पास एक कम्युनिटी के अंदर आते हैं, ठीक है, और ये जो दो लिंक्स हैं ये हमारे पास दूसरी कम्युनिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग लिंक्स की बेस पे क्लस्टरिंग करें तो इस तरह हो सकता है कि एक नोड के कुछ लिंक्स हमारे पास एक या एक से ज़्यादा लिंक्स जो हैं वो हमारे पास एक कम्युनिटी में चले जाएँ और दूसरा या बाकी जो लिंक्स है वो हमारे पास दूसरी कम्युनिटी में चले जाएँ। इट इज़ पॉसिबल। तो अगर हम लोग लिंक्स की बेस पे क्लस्टरिंग करें तो ये होगा हमारे पास कि एक नोड जो है फिर हमारे पास मल्टीपल कम्युनिटीज से बिलोंग कर सकेगी। तो ये हमारे पास इसकी मेन मोटिवेशन है इस एल्गोरिदम के लिए। और इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि लिंक्स की सिमिलैरिटी के लिए हमें कोई फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। हम लोग रावास के अंदर ऑलरेडी नोड्स की सिमिलैरिटी के लिए एक फार्मूला देख चुके हैं, लेकिन अब हम लोग एक फार्मूला देखते हैं कि अगर एजेस की सिमिलैरिटी निकालनी है तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे। और मेन आइडिया इसके अंदर हमारे पास ये है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, कि हमारे पास अगर एक नोड जो है वो दो एजेस उसके इन्वॉल्व हैं, ठीक है, दो एजेज हैं उसका, हो सकता है एक एज जो है वो हमारे पास चला जाए, एक लिंक्स की कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, वो एक लिंक्स की कम्युनिटी में चला जाए और दूसरा जो एज है वो दूसरे लिंक्स की कम्युनिटी में चला जाए, ठीक है। तो अब इसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि ये जो नोड है अब ये हमारे पास दो कम्युनिटी से बिलोंग करना शुरू कर देगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले एजेस की सिमिलैरिटी निकालनी पड़ेगी कि दो एजेस जो हैं वो हमारे पास कितने सिमिलर हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एजेस की सिमिलैरिटी के लिए हम लोग दो एजेस लेंगे और उनकी सिमिलैरिटी निकाल लेंगे। अच्छा, किन एजेस की सिमिलैरिटी हम लोग निकाल सकते हैं? इन दो एजेस के बीच में एक नोड का कॉमन होना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब जिस तरह अगर इस तरह का हमारे पास सिनेरियो है कि हमारे पास ए बी, हमारे पास एक एज है, ठीक है, और फिर हमारे पास सी डी जो है वो हमारे पास दूसरा एच है, ठीक है। लेट्स से हमारे पास इस तरह का हमारे पास सिनेरियो है। तो अब इसके अंदर अगर हम लोग ए बी और ए सी की सिमिलैरिटी निकालें तो वो तो हमारे पास नॉन ज़ीरो आएगी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर बी नोड जो है वो हमारे पास कॉमन है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ए बी और सी डी की सिमिलैरिटी निकालें तो अब इसके अंदर कोई भी नोड कॉमन नहीं है। तो अगर हमारे पास दो एजेस में कोई भी नोड कॉमन नहीं होगी तो उसकी सिमिलैरिटी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। मतलब दिस इज अंडरस्टूड कि जब हम लोगों ने ए बी और सी डी की सिमिलैरिटी निकाली तो फिर हमारे पास क्योंकि ए बी और सी डी में कोई भी नोड कॉमन नहीं है तो हम लोगों के पास इसकी सिमिलैरिटी जो है ज़ीरो आ जाएगी। नाउ इन केस ऑफ नॉन ज़ीरो सिमिलैरिटी ये चीज़ है कि हमारे पास एक नोड का जो है वो हमारे पास कॉमन होना, दो एजेस में एटलीस्ट एक नोड का कॉमन होना जो है वो हमारे पास ज़रूरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह ये के सर जी, सर इस केस में ए बी और सी डी में सिमिलरिटी एजेस हमारे पास है नहीं सर, मतलब ए बी के बीच में भी है सी और डी के बीच में, तो सिमिलरिटी कैसे जीरो हो जाती सर? देखें अगर हम लोग इस सिमिलरिटी निकालते हैं ना ए बी एंड सी डी, अब कोई भी नोड कॉमन नहीं है इन दो एजेस के बीच में, ए बी एक एज है सी डी दूसरा एज है, इनमें कोई भी नोड कॉमन नहीं है, तो जब भी कोई नोड कॉमन नहीं होगी तो उसकी सिमिलरिटी जीरो हो जाएगी। ओके सर, मैं समझ गया। इनके बीच में नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर ये एग्जांपल लें हम लोग पर्टिकुलर, इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो सिमिलैरिटी अगर हम लोग निकालते हैं आई के और जे के, आई के ये जो बोल्ड हुई है लाइंस, ये और ये, इन दो एजेस की अगर हम लोग सिमिलैरिटी निकालते हैं तो इसके अंदर ये के जो है ये कॉमन नोड है, ठीक है। तो दो एजेस की सिमिलैरिटी नॉन जीरो होने के लिए उसके अंदर एक नोड का कॉमन होना जो है वो जरूरी है, ठीक है। अब एक नोड अगर कॉमन होगी तो फिर हम लोग सिमिलैरिटी कैसे निकालेंगे? जो कॉमन नोड है इसको हम लोगों ने काइंड ऑफ डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। ये देखना है कि आई के नेबर्स कौन से हैं इंक्लूडिंग आई इट्सेल्फ, जे के नेबर्स कौन से हैं इंक्लूडिंग जे इट्सेल्फ, उनका हम लोगों ने इंटरसेक्शन ले लेना है कि उसमें हमारे पास जो है वो कॉमन कितने हैं, ठीक है, कॉमन नेबर्स कितने हैं, और फिर हम लोगों ने उसको डिवाइड कर देना है उसके यूनियन के साथ कि टोटल नेबर्स कितने हैं, तो वो हमारे पास इन दोनों एजेस की सिमिलैरिटी आ जाएगी। जिस तरह अगर हम लोग इस पर्टिकुलर केस में देखें तो हमारे पास जो है वो आई के नेबर्स कौन से इंक्लूडिंग आई इट्सेल्फ, एक, दूसरा के हो गया, फिर तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ये नौ नोड्स जो है हमारे पास आई के नेबर्स में आ जाएंगी, ठीक है। जे के नेबर्स में हमारे पास कौन सी आ जाएंगी, एक जे आ जाएगा, एक के आ जाएगा, ठीक है, फिर
तीन चार पाँच छ सात आठ, ये आठ नोड्स जो हैं वो हमारे पास जे के नेबर्स में आ जाएंगे। ठीक है, इसके हम लोग आगे स्पेसिफिक एग्जांपल देखते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग को ये करना क्या है कि ये देख लेना है कि आई के नेबर्स कौन से हैं इंक्लूडिंग आई इट्सेल्फ, और जे के नेबर्स कौन से हैं इंक्लूडिंग जे इट्सेल्फ। जब हम लोग कहते हैं एन आई तो इसका मतलब होता है कि नेबर्स ऑफ आई। ठीक है, जब हम लोग कहते हैं एन प्लस आई तो इसका मतलब होता है नेबर्स ऑफ आई इंक्लूडिंग आई इट्सेल्फ, मतलब आई को भी अपने नेबर्स के अंदर जो है वो हम लोग शामिल कर लेते हैं। तो हम लोग इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, देखते हैं उसमें से हमारे पास कॉमन नोड्स कितनी है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आई और जे के जितने भी हमारे पास नेबर्स हैं उसके अंदर कॉमन नोड्स कितनी है, एक हमारे पास ये के हो गया और तीन हमारे पास ये नोड्स हो गए चार। ठीक है, तो ये चार नोड्स हैं वो हमारे पास कॉमन है, कॉमन नेबर्स हैं आई और जे के। ठीक है, अच्छा अगर आई और जे के बीच में लिंक होता तो फिर आई और जे खुद भी जो है वो हमारे पास कॉमन नेबर्स में आ जाते, लेकिन अभी ये सिनेरियो नहीं है, सिनेरियो को हम लोग बाद में देखते हैं। तो फोर हमारे पास आ जाएगा, ये जो ऊपर वाली जो इंटरसेक्शन है हमारे पास कॉमन नेबर्स का, ये हमारे पास फोर हो जाएगा। और टोटल नेबर्स कितने हैं हमारे पास, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह, तो फोर ओवर ट्वेल्व हमारे पास, वन ओवर थ्री जो है वो हमारे पास इसकी सिमिलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इसके हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे अगर हम लोग सिमिलैरिटी निकालना चाहें आई जे और सॉरी आई के और के जे, इन दोनों लिंक्स की सिमिलैरिटी निकालना चाहें तो यहाँ पे देखेंगे आई के नेबर्स कितने हैं इंक्लूडिंग आई इट्सेल्फ, वो हमारे पास क्या है, अगर हम लोग इसको डिफाइन करें एन प्लस आई तो ये हमारे पास आई एंड के, ये दो हमारे पास जो हैं वो इसके नेबर्स आगे बी वाले केस में। इसी तरह एन प्लस जे जो है वो हमारे पास क्या होगा, नेबर्स ऑफ जे इंक्लूडिंग जे इट्सेल्फ, ये हमारे पास जे एंड के ये आ गया। अब हम लोगों ने इनकी सिमिलैरिटी निकालनी है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फार्मूला इसके अंदर यूज़ कर लेंगे हम लोग के इन दोनों सेट्स में से कॉमन नोड्स कितनी हैं। ठीक है, ये जो बार्स होती हैं कार्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कि इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, और फिर इन दोनों सेट्स का यूनियन लें तो आई के जे के थ्री आ जाएगा, यूनियन में हमारे पास थ्री एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इन दोनों एजेस की इस पर्टिकुलर बी वाले सिनेरियो में जो सिमिलैरिटी होगी वो वन ओवर थ्री हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है सबको? सर करंटली ये यूनियन वाला समझाए, नीचे थ्री कैसा है, पिछले लेवल में कंफ्यूज कर, ट्वेल्व कैसा है? ये दो सेट्स है ना, एन प्लस आई एंड एन प्लस जे, एन प्लस आई के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं सेट में, आई एंड के, और एन प्लस जे के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, जे एंड के। ठीक है, और इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आई के जे या आई जे के, ये तीन एलिमेंट्स आ जाएंगे। यूनियन के को हम लोग रिपीट तो नहीं करेंगे, कोई सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो इसके यूनियन में हमारे पास तीन एलिमेंट्स होंगे। मतलब इसको अगर हम लोग इस तरह लिखें एन प्लस आई इंटरसेक्शन एन प्लस जे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, और इसकी अगर कार्डिनैलिटी ले लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन में हमारे पास कौन सा कॉमन आ रहा है, के सिर्फ कॉमन आ रहा है। ठीक है, और इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी, वन, के इस सेट में एक एलिमेंट है। और इसी तरह अगर हम लोग ये ले लें एन प्लस आई यूनियन एन प्लस जे, ठीक है, और इसकी कार्डिनैलिटी ले लें तो यूनियन में हमारे पास क्या आ जाएगा, आई के यूनियन जे के, तो ये आई जे के। आई होप सेट के यूनियंस तो आपको पता होंगे कि सेट का यूनियन कैसे डिफाइन करते हैं, तो दैट वुड बी थ्री। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास अगर ये सी वाला सिनेरियो हम लोग देखें तो इसके अंदर जो हमारे पास सेट्स हैं वो हमारे पास क्या है, एन प्लस आई को अगर हम लोग डिफाइन करें तो ये हमारे पास आई के नेबर्स हैं जे एंड के, और फिर आई को भी इसमें ऐड कर लेंगे प्लस की वजह से, तो आई जे एंड के, ये तीन इसके हमारे पास जो है वो एन प्लस आई वुड बी आई जे के, एंड सिमिलरली एन प्लस जे वुड ऑल्सो बी द सेम थिंग आई जे के। ठीक है, कि उसके अंदर जे के नेबर्स आई और के, और जे को भी इंक्लूड कर लेंगे। अब इसका यूनियन लें या इंटरसेक्शन लें तो वो हमारे पास थ्री आएगा, तो इसकी जो सिमिलैरिटी है वो हमारे पास थ्री ओवर थ्री जो है वो हमारे पास वन आ जाएगी। ठीक है, तो मेन जो इंट्यूशन है इस सिमिलैरिटी की वो ये है कि दो एजेस हमारे पास, अगर हमारे पास दो एजेस हैं और उनसे एसोसिएटेड जो हमारे पास नोड्स हैं उनके अगर सारे के सारे नेबर्स जो हैं वो कॉमन हैं,
ठीक है, तो हमारे पास सिमिलैरिटी हाई होगी। लेकिन अगर उसके अंदर जो है वो हमारे पास कॉमन नेबर्स बहुत कम है, तो उसकी सिमिलैरिटी ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पास लो हो जाएगी। तो ये है कि कितने कॉमन नेबर्स जो है दो एच शेयर करें, तो दो एच जितने ज़्यादा कॉमन नेबर्स शेयर करेंगे उतनी उसकी सिमिलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये जो चीज़ है ये बेसिकली दिस इज़ अ डेरिवेशन ऑफ जैकार्ड सिमिलैरिटी ना, तो IR में इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में आपने जैकार्ड सिमिलैरिटी पढ़ी होगी, तो ये उसकी वही बेसिकली जैकार्ड सिमिलैरिटी भी यही होती है ना, कि इंटरसेक्शन ले लेते हैं बाइनरी वेक्टर स्पेस मॉडल में और उसका यूनियन से उसको डिवाइड कर देते हैं उसकी कार्डिनलिटी को। यहाँ पे भी इट्स एग्जैक्टली द जैकार्ड सिमिलैरिटी, लेकिन सिर्फ ये कि जो एजेस हैं उनको हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, उन एजेस का हम लोग जो है वो सेट कैसे बना रहे हैं, उसके नेबर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, ये हम लोगों ने एग्जाम्पल जो है वो देख ली हम लोगों ने, और इसकी हम लोग एक और एग्जाम्पल भी कर लेते हैं।